रुकते हैं राजधानी जयपुर का, जहां एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर रफ्तार कहर बनकर गिरी है। यहां खो नागोरियान थाना इलाके में जब एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने बेकाबू रफ्तार से आ रहे ट्रक को रोकने की कोशिश की, तो चालक ने ट्रक रोकने के बजाय पुलिस कर्मी पर ही चढ़ा दिया और करीब 500 मीटर तक उसे ले गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर है। हालांकि बाद में पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक ट्रैफिक नियमों को तोड़ता हुआ आ रहा था और इसी दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने उसी के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी। लगातार उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन बड़ी खबर आप देखिए किस तरीके से, एक तो नियम को ताक पर रखकर वो ड्राइविंग कर रहा था, नियम के विरुद्ध वो ड्राइविंग कर रहा था। जो जानकारी वहां पर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी थी उन्होंने भी दी, लेकिन जब रोकने की कोशिश की गई तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर ही गाड़ी चढ़ा दी और मौके पर ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जान भी चली गई है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर तैनात था, इंटरसेप्टर की कार्रवाई चल रही थी, एक तेज गति का जो वाहन था ट्रक उसको रुकवाने की कोशिश करी, उसने नहीं रोका और हमारे ट्रैफिक कर्मी पर उसने ट्रक चढ़ाया, जिससे उसकी मौके पर डेथ हुई है। मौके का घटना का निरीक्षण करके जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। ये है बात। तो तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस कर्मी की जान ले ली है, ट्रैफिक पुलिस कर्मी को कुचल दिया, काफी दूर तक उसको घसीटता हुआ लेकर गया। जब रोकने की कोशिश की उसके बावजूद भी वो नहीं रुका। और सोचिए राजधानी जयपुर के ये हालात हैं, जहां पर लगातार नजर बार बार रखी जा रही है। खुद यहां पर कहा यह जाता है कि नियमों के मुताबिक ही आपको चलना है, और राजधानी जो है जयपुर, वहां की अगर ऐसी स्थिति होगी तो प्रदेश भर के क्या हालात होंगे, इसका अंदाजा भी अब लगा सकते हैं। जब रोकने की कोशिश की गई उसके बावजूद भी उसने अपनी ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और फिर जब पुलिसकर्मी ने रोका और आगे तक वो रोकते हुए बढ़ा तो उसको ही कुचल दिया। काफी देर तक उसको घसीटता हुआ आगे लेकर जो ट्रक चालक है वो गया। हालांकि बाद में उसको दबोच लिया गया, उससे भी लगातार पूछताछ हो रही है और ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। लेकिन दुखद खबर ये कि जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तमाम पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, हालांकि रोकने की कई कोशिशें भी वहां पर की गई लेकिन जान बचाई नहीं जा सकी ट्रैफिक पुलिसकर्मी की। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्य, बड़ी दुखद खबर भी है, चिंताजनक खबर भी है, राजधानी जयपुर की ये हालात है, प्रदेश भर के क्या हालात होंगे इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं, क्या हुआ था मौके पर जरा बताएं। दीपा देखिए, जो मृतक है वो परसाम जो है नाकाबंदी के दौरान वहां खड़ा था। इसी दौरान एक लहराते हुए ट्रक आया जिसने उस पुलिस कांस्टेबल को, जो की ड्यूटी में था, उसको अपने चपेट में ले लिया। जब ये घटना हुई तो उसके बाद में पूरे शहर में नाकाबंदी की गई, ट्रक ड्राइवर था उसको भी पकड़ लिया, जो ट्रक था उसको भी जब्त कर लिया। लेकिन इस पूरे हादसे के अंदर, दर्दनाक हादसे के अंदर, जो ट्रक जो पुलिसकर्मी था उसकी जान चले गई। जैसे ही मौके पर दम तोड़ा तो सूचना मिलते हैं पुलिस के आला अधिकारी, खुद DCP ट्रैफिक आदर्श सिद्धू सहित जो आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जो मृतक है उसका शव मोर्चे में रखा है। लेकिन बड़ी बात यह है दीपक की, लगातार राज्य सरकार और राजस्थान पुलिस लगातार ऐसे अभियान चलाती है कि वाहन की गति पर नियंत्रण रखे, जिससे कि हादसों ऐसे हादसे नहीं हो सके। लेकिन फिर भी कुछ लोग, बिल्कुल कई अभियान चलाए जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे हादसे रुकते नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका सत्य तमाम जानकारियों के लिए।